भाग तीन। शांत मन ही शक्ति उत्पन्न करता है। अध्याय एक। एक होटल के भोजनालय में नाश्ते पर हम तीनों ये चर्चा कर रहे थे कि हम पिछली रात कितने अच्छे तरीके से सोए। ये वास्तव में एक प्रभावशाली विषय था। एक व्यक्ति ने अनिद्रा की शिकायत की। वो बिस्तर पर हिलता डुलता और करीब करीब कमजोर व शिथिल पड़ चुका था। मेरे अनुमान से मुझे बिस्तर पर जाने से पहले खबरें सुनना बंद कर देना चाहिए, उसने अनुमान लगाया। मैंने कल रात खबरें सुनी और अपने कानों को निश्चित तौर पर रात भर के लिए परेशानी में डाल दिया। ये एक अच्छा वाक्य था, परेशानी उठाने वाले कान। थोड़े आश्चर्य वाली बात थी कि उसकी रात बहुत अशांत होकर बीती। संभवतः सोने के लिए जाने से पहले मैंने जो कॉफी पी उसका इससे कुछ लेना देना हो, उसका कुछ ऐसा विचार था। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझसे पूछो, मेरी रात बहुत अच्छी बीती। मुझे मेरी खबरें शाम के अखबार और जल्दी हुए प्रसारण से मिल गई थी, जिससे बिस्तर पर सोने जाने से पहले मुझे उन्हें पचाने का मौका मिल गया। बेशक, उसने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, मैंने पहले से ही अपने सोने की सारी योजना बना रखी है, जो कि कभी असफल नहीं होती। मैंने उसे उसकी योजना का विस्तार से वर्णन करने के लिए उकसाया, जिसकी उसने कुछ इस प्रकार व्याख्या की। जब मैं बच्चा था तब मेरे पिता, जो एक किसान थे, को शाम को सोने से पहले पूरे परिवार को एक साथ एकत्रित करने की आदत थी। उस समय वो हमें बाइबल पढ़कर सुनाते थे। मैं अभी भी उनकी उस आवाज को महसूस कर सकता हूं, बल्कि मैं जब भी बाइबल सुनता हूं तो लगता है जैसे अपने पिता की आवाज में ही सुन रहा हूं। प्रार्थना के बाद मैं अपने कमरे में जाता और लट्टू की तरह सो जाता था। लेकिन जब मैं अपने घर से दूर हो गया तो बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने की मेरी आदत छूट गई। मुझे यह स्वीकारना होगा कि कई वर्षों तक, व्यावहारिक रूप से कहूं तो, मैंने प्रार्थना केवल तब की जब मैं ट्रैफिक जाम में फंसा होता। लेकिन कुछ महीने पहले मुझे और मेरी पत्नी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना एक साथ करना पड़ा। तब हमने ये तय किया कि हम प्रार्थना करने का अभ्यास करेंगे। हमारे लिए यह बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ। इसलिए प्रत्येक रात बिस्तर पर जाने से पहले हम दोनों एक साथ बाइबल पढ़ते और थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते। मैं नहीं जानता था कि उसमें क्या था, लेकिन उसके बाद मैं बेहतर ढंग से सोने लगा और धीरे धीरे चीजें मेरे लिए बदलने लगीं। परिस्थितियों में भी बदलाव होने लगा, बल्कि मुझे इससे इतनी मदद मिली कि आज मैं जहां भी रहूं, फिर चाहे वो सड़क ही क्यों ना हो, मैं बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने के नियम को नहीं तोड़ता। पिछली रात जब मैं बिस्तर पर गया तो मैंने 23वां उपदेश पढ़ा। मैंने उसे जोर जोर से पढ़ा और उससे मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा। वो दूसरे व्यक्ति से मुखातिब होते हुए बोला, मैं परेशानी वाले कानों के साथ बिस्तर की ओर नहीं जाता, मैं शांत मन के साथ सोने जाता हूं। अच्छा, तो यहां आपके लिए दो गुप्त रहस्य हैं, परेशानी से भरे कान और शांति से भरा मन। आप इनमें से क्या चुनेंगे? रहस्यों का सार मानसिक प्रवृत्ति में बदलाव पर निर्भर करता है। प्रत्येक व्यक्ति को विभिन्न विचारों के आधार पर जीना सीखना पड़ता है। हालांकि विचारों में बदलाव के लिए भी प्रयास की आवश्यकता होती है। आपकी मौजूदा स्थिति में जीवन जीते रहना अपेक्षाकृत बहुत आसान होता है, तनाव भरा जीवन जीना बहुत मुश्किल होता है। आंतरिक शांति, बिना तनाव के मधुरता के साथ जीवन जीना, जीने का सबसे आसान प्रकार होता है। फिर मानसिक शांति को प्राप्त करने के लिए प्रमुख संघर्ष आपकी सोचने की प्रवृत्ति को पूरी तरह से बदलकर आरामदायक प्रवृत्ति, जो कि ईश्वर द्वारा उपहार स्वरूप दी गई शांति को स्वीकार करने आती है, के लिए प्रयास करना है। तनाव मुक्त स्वभाव और उस कारण शांति प्राप्त करने के उदाहरण के तौर पर मैं हमेशा उस शहर के अनुभव के बारे में सोचता हूं जहां मैंने एक शाम व्याख्यान दिया था।
मंच पर जाने से पूर्व में पीछे बैठकर अपने भाषण का अभ्यास कर रहा था। तब एक व्यक्ति मेरे पास आया। वो मुझसे अपनी व्यक्तिगत समस्या पर चर्चा करना चाहता था। मैंने उसे बताया कि उस समय बात करना असंभव था, क्योंकि मंच पर जाने के लिए मेरा नाम लिया जा चुका था। इसलिए मैंने उसे इंतजार करने के लिए कहा। मंच पर बोलते वक्त मैंने उसे विंग में घबराहट से नीचे जाते देखा, लेकिन उसके पश्चात वो कहीं नहीं दिखा। हालांकि उसने मुझे अपना कार्ड दिया था, जिससे जाहिर था कि उस व्यक्ति का उस शहर में काफी नाम था। होटल में वापस आने पर हालांकि बहुत देर हो चुकी थी, मैं अब भी उस व्यक्ति के लिए परेशान था, इसलिए मैंने उसे फोन किया। उसे मेरा फोन आने से आश्चर्य हुआ और उसने बताया कि उसने इंतजार नहीं किया, क्योंकि निसंदेह मैं बहुत व्यस्त था। मैं बस आपके साथ प्रार्थना करना चाहता था, उसने कहा। मैंने सोचा था शायद आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो मुझे कुछ शांति मिल जाएगी। यहां अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें एक साथ फोन पर प्रार्थना करने से रोक सके, मैंने कहा। उसने थोड़ा चकित होकर कहा, मैंने फोन पर प्रार्थना करने के बारे में कभी नहीं सुना। क्यों नहीं, मैंने कहा। टेलीफोन महज बातचीत का यंत्र है। तुम्हारे मुझ तक आने में कुछ अवरोध थे, लेकिन टेलीफोन के माध्यम से हम एक साथ हैं। इसके अतिरिक्त मैंने अपनी बात जारी रखी, भगवान हम दोनों के साथ है। वो इस लाइन के दोनों छोर और इसके बीच में स्थित है। वो तुम्हारे साथ है और वो मेरे साथ है। ठीक है, वो मान गया। मुझे अच्छा लगेगा यदि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आदमी जो फोन के दूसरी ओर था के लिए फोन पर प्रार्थना करनी शुरू कर दी। मैंने कुछ इस तरह से प्रार्थना की जैसे कि हम लोग एक ही कमरे में हों। वो सुन सकता है और ईश्वर सुन सकता है। जब मैंने प्रार्थना पूरी कर ली तो उसे मैंने सुझाव देते हुए कहा कि तुम प्रार्थना नहीं करोगे। वहां से कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने दूसरी ओर से रोने की आवाज सुनी और अंततः उसने कहा, मैं बात नहीं कर सकता। तुम रोना जारी रखो और एक या दो मिनट के लिए रो लो और फिर प्रार्थना करो, मैंने कहा। प्रभु को वो सब कुछ कहो जो तुम्हें परेशान कर रहा है। मुझे लगा कि ये एक निजी बात है, लेकिन यदि नहीं और यदि कोई सुन रहा हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां तक किसी का सवाल है तो हम बस आवाज से ही एक दूसरे से जुड़े हैं। किसी को नहीं पता चलेगा कि फोन लाइन पर तुम और मैं थे। इस प्रकार मेरे प्रोत्साहित करने पर वो प्रार्थना करने लगा। पहले हिचकिचाते हुए और फिर बड़े साहस के साथ उसने अपने मन को हल्का किया, जो कि घृणा, निराशा व असफलता से भरा हुआ था। अंततः बड़े दुख के साथ उसने प्रार्थना की, हे ईश्वर, मुझे आपसे अपने लिए कुछ करने के लिए कहने को बहुत साहस जुटाना है, क्योंकि मैंने आपके लिए कभी कुछ नहीं किया। मेरे ख्याल से तुम जानते हो कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, हालांकि फिर भी मैंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। हे भगवान, मैं इन सब से ऊब गया हूं। हे प्रभु, कृपया मेरी मदद करो। मैंने दोबारा प्रार्थना की और भगवान से उसकी प्रार्थना का जवाब देने के लिए कहा। फिर कहा, भगवान, टेलीफोन के दूसरे छोर पर आप अपना हाथ मेरे दोस्त पर रखें और उसे शांति प्रदान करें। उसे अपनी परेशानियों से उबरने और आपके शांति रूपी पुरस्कार को स्वीकारने में मदद करें। फिर मैं रुक गया और उस समय हम दोनों के बीच एक लंबा ठहराव आ गया। फिर मैंने जो सुना उस समय उसके उस स्वर को कभी नहीं भूल सकता। मैं इस अनुभव को
कभी नहीं भूल सकता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई महीनों में पहली बार मैं अंदर से स्वच्छ, प्रसन्न और शांत महसूस कर रहा हूं। इस व्यक्ति ने मानसिक शांति पाने के लिए एक सामान्य तकनीक अपनाई। उसने अपने मन को पूरी तरह से खाली कर दिया और उसने भेंट के रूप में ईश्वर से शांति प्राप्त की। जैसा कि एक चिकित्सक ने कहा, मेरे बहुत से मरीजों के साथ कुछ भी गलत नहीं होता, केवल उनकी सोच को छोड़कर। इसलिए मेरा एक सबसे प्रिय सुझाव है जो मैं सबके लिए लिखता हूं, लेकिन यह कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसे आप दवाखाने में प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा लिखे गए सुझाव बाइबल के अनुवाक्य होते हैं। मैं उन वाक्यों को अपने मरीजों के लिए नहीं लिखता, मैं उन्हें देखता और पढ़ता हूं। अपने मन का नवीनीकरण करके स्वयं के भीतर बदलाव लाएं। आनंदित और स्वस्थ रहने के लिए उन्हें अपने मन का नवीनीकरण करने की आवश्यकता है, जिसमें उनकी सोच के स्वरूप को बदलने की आवश्यकता है। जब वो इस सुझाव को ग्रहण करते हैं तो वास्तव में मन की पूर्ण शांति प्राप्त होती है, जिससे स्वास्थ्य और सुख प्राप्त करने में सहायता मिलती है। मन की शांति प्राप्त करने का एक प्राथमिक तरीका मन को पूर्ण रूप से रिक्त करने का अभ्यास होता है। अगले अध्याय में इस पर जोर दिया जाएगा, लेकिन मैंने यहां पर नियमित मानसिक भाव विरेचन के महत्व को बताने के लिए इस पर जोर दिया है। मैं दिन में 2 बार मन को रिक्त करने का, यदि इसकी आवश्यकता हो तो, सुझाव देता हूं। अपने मन के डर, असुरक्षा, ईर्ष्या, खेद और पाप की अनुभूति को अपने मन से रिक्त करने का बेशक अभ्यास करें। यह वास्तविक अवस्था जिसमें आप अपने मन को खाली करने का प्रयास करते हैं में आराम पहुंचाता है। जब आप अपनी सारी परेशानियों को उन व्यक्तियों के सामने बोल देते हैं जिन पर आप सबसे अधिक विश्वास करते हैं, तो क्या आपका हृदय, जो भारीपन महसूस कर रहा होता है, तब हल्का अनुभव नहीं करता? पादरी के रूप में मैंने यह महसूस किया है कि यह उन लोगों के लिए कितना मायने रखता है जो सच्चाई और आत्मविश्वास से दूसरों को अपने मन की सभी चिंताओं को बता देते हैं। मैंने हाल ही में SS लुरलाइन से होनोलुलु की समुद्री यात्रा के दौरान एक धार्मिक सेवा का संचालन किया। बातचीत के दौरान मैंने सुझाव दिया कि वो लोग जो अपने मन में चिंताओं को साथ लेकर चलते हैं, जहाज के पिछले भाग में चले जाएं और कल्पनाशीलता के द्वारा खुद को परेशान करने वाले विचारों को अपने मन में लाते जाएं, उन्हें जहाज से बाहर फेंक दें और उन्हें जहाज के वेग के साथ विलुप्त होते हुए देखें। यह सचमुच बच्चों को बहलाने जैसा एक सुझाव दिखता है, लेकिन उसके अगले दिन एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा, मैंने वो सब कुछ किया जैसा आपने कहा और मैं इससे प्राप्त शांति से अचंभित हूं। अपनी समुद्री यात्रा के दौरान उसने कहा कि प्रत्येक शाम को सूरज ढलने के समय मैं अपनी सभी चिंताओं को जहाज के पिछले भाग में ले जाता हूं। मैं तब तक वहां रहता हूं जब तक उन्हें अपनी चेतना से बाहर फेंक देने वाली मनोवृत्ति को पूर्ण रूप से विकसित न कर लूं। प्रत्येक शाम मैं उन्हें विशाल समुद्र में विलुप्त होते हुए देखना चाहता हूं। क्या बाइबल हमें इसके बारे में नहीं कहती कि उन चीजों को भुला देना जो पीछे रह गई हैं? वो व्यक्ति जिनसे इस सुझाव पर अमल करने का आग्रह किया गया, वो अव्यवहारिक भावुक व्यक्ति नहीं है। इसके विपरीत, वो एक असाधारण मानसिक तौर पर उच्च प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हैं, अपने क्षेत्र में एक अग्रणी नाम। स्वभावतः केवल मन का रिक्तीकरण काफी नहीं है। जब मन का रिक्तीकरण होता है तो उसमें कुछ चीजों का प्रवेश होना स्वाभाविक होता है। मन अधिक समय के लिए शून्य नहीं रह सकता। आप स्थायी रूप से रिक्त मन के साथ सदैव चलायमान स्थिति में नहीं रह सकते। मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिक्त मन के साथ भी चलायमान रहते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सामान्यतः रिक्त मन को भरना जरूरी होता है, अन्यथा पुराने चिंतित करने वाले विचार, जो कि बाहर जा चुके हैं, फिर से आपके भीतर समाने का मार्ग तलाश सकते हैं।
ऐसा होने से बचने के लिए अपने मन को तत्काल ही रचनात्मक और गुणकारी विचारों से भरना शुरू करें। फिर जब पुराने डर, ईर्ष्या और चिंताएं जो आपको लंबे समय से डरा रही थीं, जब पुनः शक्तिशाली होने लगेंगी, तो उन्हें आपके मन के द्वार पर एक चिन्ह खाली नहीं है मिलेगा। वो उसमें दाखिल होने की कोशिश करेंगी, क्योंकि वो आपके मन में लंबे समय तक रही हैं। उन्हें आपका मन अपने घर जैसा लगता है, लेकिन वहां पहले से मौजूद नए व गुणकारी विचार जिन्हें आपने भीतर लिया है, वो अब और अधिक शक्तिशाली तथा मजबूत हो जाएंगे और इस प्रकार उन्हें खदेड़ने में समर्थ होंगे। उस समय पुराने विचार आपका पूर्ण रूप से परित्याग कर देंगे और आपको छोड़कर चले जाएंगे। फिर आप स्थायी रूप से एक शांत मन का लाभ ले सकते हैं। दिन में कुछ समय के लिए मिले खाली समय के दौरान विचारशील होकर कुछ चुनिंदा श्रृंखलाओं में से मन को शांत करने वाले विचारों को सोचने का अभ्यास करें। अपनी कल्पना शक्ति से मन में आई सबसे शांत घटना के मानसिक चित्र को अपने मन में साकार होने दें। उदाहरण के तौर पर, जैसे शाम के समय खामोशी में लिपटी कुछ सुंदर वादियां, जब सूरज आराम करने के लिए जाने लगे और उसके डूबने से अंधेरा बढ़ने लगे, या छोटी लहरों पर गिरती चांद की चमकीली रोशनी का स्मरण करना, या रेत के तट पर समुद्र की लहरों का हल्के से उनको साफ करते हुए गुजरने की घटना का स्मरण करना। शांति से भरे ये चित्र आपके मन पर उपचारात्मक औषधि की तरह काम करेंगे। इसलिए अब से और प्रत्येक दिन के दौरान शांत चलचित्रों को अपने मन में धीरे धीरे प्रवेश करने दें। सुझाई गई अभिव्यक्ति की तकनीक का अभ्यास करें, जिसमें स्पष्ट रूप से कुछ शांत शब्दों को दोहराएं। शब्दों की गहराई में अत्यंत सांकेतिक शक्ति होती है। इनका उच्चारण करने पर एक तरह से उपचार की प्रक्रिया होती है। काल्पनिक शब्दों की एक श्रेणी को दोहराएं और आपका मन तुरंत ही तनाव की मध्यम अवस्था में पहुंच जाएगा। आप संभवतः अपने पेट में कुछ शांत बैठने जैसा महसूस करेंगे, जिससे आपका पूरा शारीरिक तंत्र प्रभावित होगा। यदि इसके विपरीत आप शांत व गंभीर शब्दों का उच्चारण करेंगे, तो आपका मन शांत तरीके से प्रतिक्रिया करेगा। इन शब्दों का शांत चित्त के रूप में इस्तेमाल करें। इस शब्द को धीरे धीरे कई बार दोहराएं। ट्रैंक्विलिटी अंग्रेजी के सभी शब्दों में से सबसे सुंदर और मधुर शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ है शांत चित्तता। इसे केवल दोहराने से ही एक शांत चित्त अवस्था की ओर आप प्रेरित होने लगते हैं। दूसरा उपचारात्मक शब्द है स्थिरता। स्थिरता का चित्रण वैसे ही करें जैसे आप इसका उच्चारण करते हैं। इस शब्द को धीरे धीरे दोहराएं, जिस भाव में इस शब्द को प्रतिरूपित किया गया है। इन शब्दों को जब इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें एक उपचारात्मक क्षमता होती है। धर्म ग्रंथों में से उन कविताओं या वाक्यों का इस्तेमाल करना बहुत लाभदायक होता है जहां उनकी अभिव्यक्ति है। मेरे जानकार एक व्यक्ति जिन्होंने एक विशेष उच्च स्तर की मन की शांति को प्राप्त किया, उनकी शांति को व्यक्त करने के लिए विभिन्न कार्ड्स पर असाधारण संवाद लिखने की आदत है। वो उनमें से एक कार्ड अपने पर्स में हर समय रखे रहते हैं, उसे लगातार देखते रहते हैं जब तक कि वो वाक्य उन्हें अच्छी तरह से याद ना हो जाए। वो कहते हैं कि उनके अवचेतन मन में डाला गया इस तरह का प्रत्येक विचार उसके मन को चिकना कर शांत कर देता है। एक शांत अवधारणा वास्तव में अशांत विचारों पर मरहम का काम करती है। उनमें से एक 16वीं शताब्दी का आध्यात्मिक वाक्य जिसका वो इस्तेमाल करते हैं इस प्रकार है, किसी भी चीज से खुद को परेशान ना होने दें, किसी भी चीज को खुद को ना डराने दें।
केवल ईश्वर को छोड़कर सब नश्वर है, केवल ईश्वर ही पर्याप्त है। बाइबल के शब्दों का विशेष तौर पर शक्तिशाली उपचारात्मक महत्व है। उन्हें अपने मन में समाहित कर लें, उन्हें अपने अवचेतन मन में विलीन होने दें और वो आपकी पूरी मानसिक संरचना पर एक उपचारात्मक लेप की तरह फैल जाएंगे। ये पूरी करने के लिए एक सबसे सामान्य और मन की शांति प्राप्त करने के लिए भी सबसे उपयोगी प्रक्रिया है। एक सेल्समैन ने मुझे मिड वेस्टर्न होटल के कमरे में हुई एक घटना के बारे में बताया। वो व्यापारियों का एक समूह है जो वहां होने वाले सम्मेलन का हिस्सा था। एक व्यक्ति बहुत ही उग्र स्वभाव का था। वो बहुत ही बुद्धिमान, तर्कसंगत व अति संवेदनशील था। वहां मौजूद प्रत्येक व्यक्ति उसके स्वभाव से भली भांति परिचित था और उनका यह मानना था कि वो बहुत ही धैर्यहीन व्यक्ति था। आखिरकार एक समय ऐसा आया कि उसका चिड़चिड़ा स्वभाव सभी को प्रभावित करने लगा। उस समय उस चिड़चिड़े व्यक्ति ने अपने सफर का बैग खोला और एक खाली दिखने वाली दवाई की बड़ी बोतल बाहर निकाली तथा उसका बड़ा अंश निगल लिया। पूछने पर कि वो दवाई क्या थी, उसने गुर्राते हुए कहा, हां ये सब कुछ तंत्रिकाओं के लिए है। मुझे महसूस हो रहा था कि जैसे मैं टुकड़ों में बट रहा हूं। अभी मैं जिस दबाव में हूं उससे मुझे संदेह था कि मेरी सेहत में बिगड़ जाए। मैंने कोशिश की कि इसके बारे में किसी को पता ना चले, लेकिन मुझे लगा कि मेरे साथियों ने भी ध्यान दिया कि मैं इसकी कई बोतलें निगल चुका था, लेकिन मैं बिल्कुल भी बेहतर नहीं दिख रहा था। वहां मौजूद एक दूसरा व्यक्ति हंसा। फिर उसने बड़े दया भाव से कहा, बिल, मैं शायद उन दवाइयों के बारे में नहीं जानता जो तुम ले रहे हो। संभवतः वो सब सही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी सेहत में सुधार के लिए एक दवा दे सकता हूं जो तुम्हें उनसे अधिक लाभ पहुंचा सकती है। मुझे पता है क्योंकि उसने मेरा उपचार किया है, क्योंकि मैं तुमसे भी बुरी हालत में था। वो दवाइयां क्या हैं? दूसरा व्यक्ति तपाक से बोला, ये पुस्तक सचमुच काम करेगी और मुझे पूरा विश्वास है। शायद तुम्हें यह कुछ अजीब लगे कि मैं अपने बैग में एक बाइबल रखता हूं, लेकिन मैं उन लोगों की परवाह नहीं करता जो जानते हैं। मैं इसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूं। मैं इस बाइबल को करीब 2 साल से अपने बैग में रख रहा हूं और मैंने इसमें उन जगहों पर निशान लगाया है जिनसे मुझे मन की शांति पाने में मदद मिली है। इससे मुझे लाभ हुआ और मुझे लगता है कि इससे तुम्हें भी कुछ लाभ मिलेगा। इसे क्यों ना आजमाया जाए। वहां मौजूद अन्य लोग इस विचित्र संभाषण को रुचिपूर्वक सुन रहे थे। वो परेशान व्यक्ति अपनी कुर्सी से चिपका हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर बातों का प्रभाव पड़ रहा था। वक्ता ने अपनी बात जारी रखी। एक रात होटल के कमरे में मुझे एक अनोखा अनुभव हुआ जिसने मुझे बाइबल पढ़ने की आदत डाल दी। उस समय मैं काफी कठिन दौर से गुजर रहा था। मैं एक व्यावसायिक दौरे पर था और दोपहर के बाद बहुत अधिक घबराया हुआ अपने कमरे में पहुंचा। मैंने कुछ पत्रों को लिखने की कोशिश की, लेकिन मेरा मन नहीं लग पाया। मैं धीरे धीरे कमरे में चहलकदमी करने लगा, अखबार पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन उससे मैं और परेशान हो गया। इसलिए मैं नीचे गया और अपनी परेशानी से बचने के लिए शराब का एक जाम पीने लगा। जब मैं ड्रेसर के पास खड़ा था तो मेरी नजर पास में रखी बाइबल पर पड़ी। मैंने उस होटल के कमरों में बहुत सी बाइबल की पुस्तकें देखी थी, लेकिन उनमें से कभी कोई पढ़ी नहीं थी। हालांकि उस समय कुछ ऐसा था जिसने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए प्रेरित किया और मैंने उस पुस्तक में लिखे एक उपदेश को खोला तथा पढ़ना शुरू कर दिया।